ब्रेक के बाद आपका स्वागत। स्कीम नंबर 9 में हुई मारपीट और हत्या के विरोध में बड़ी संख्या में पीड़ित परिजन एसपी कार्यालय पहुंचे और आरोपियों की संख्या बढ़ाने और सख्त कार्रवाई की मांग की। बुधवार को नीमच एसपी ऑफिस पर बड़ी संख्या में स्कीम नंबर 9 के एक पीड़ित परिवार के सदस्य पहुंचे। दरअसल विगत दिनों परिवार के आमिन बेग नामक युवक की डांस नहीं करने की बात पर विरोधी पक्ष के लोगों द्वारा हत्या कर दी गई थी। इस मामले में फरार शेष आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और इन आरोपियों के मकानों को जमीन जोत करने की कार्रवाई की मांग को लेकर पीड़ित परिवार के लोग एसपी ऑफिस पहुंचे। इस मामले में अधिकारियों का ये कहना है कि कार्रवाई चल रही है और इंसाफ जरूर मिलेगा, बिल्कुल जरूर इंसाफ मिलेगा। आप लोगों के पास भी कुछ हो तो दे दो और नहीं हो तो सरकार तो अपनी कार्रवाई करेगी। आपने जैसा कि कल बताया है इसमें चार लोगों के नाम और बढ़ाने थे, तो क्या वो चीज़ भी अंदर बात हुई? हाँ, अंदर मैंने कहा नहीं साहब इन चार लोगों और नाम बढ़ाओ। उस टाइम हमारा बच्चा बहुत घबराया हुआ था, बच्चा एक उदयपुर लेके जा रहे थे, मेरा हाथ कटा हुआ था ये उंगली, आप खुद देख लो। तो उन्होंने क्या किया वो ठीक है देखते हैं। तीन चार लोगों को नाम को आप बढ़ाना चाहते हैं, कौन लोग हैं वो? एक तो जैसे असलम भाई कुरैशी, एक उनके एक और भाई यूनुस भाई कुरैशी, एक सलमान, एक भोरा, बस ये चार और बढ़ाना चाहते हैं। नाम बढ़ाना नहीं चाहते कि इन लोगों ने वहाँ मौजूदगी में मेरे ऊपर हमला करा, दिखाए थे हमने नाम, मेरे ऊपर हमला करा था, बढ़ाना नहीं चाहते कि नाम दिखाए। इन लोगों ने हमला करा था, मैं ये लोग भी मौके पे थे, मौके पे थे साहब, मेरे तो पुलिस ने नाम नहीं लिखे थे। हाँ, पुलिस ने नाम नहीं लिखे थे उस टाइम, वो मेरा बच्चा बोल भी रहा था लेकिन हार हो घबराहट में, क्या मालूम पुलिस से गलती हो गई कि बच्चा बराबर बच रहे सोचा मैं कह चुका। तो मेरा निवेदन बस यही है कि जो ये आरोपी गण हैं इनको जल्द से जल्द पकड़ो। बस सबके पास आए इंसाफ के लिए, उन्होंने क्या हम तुम्हारी ताक ताक करेंगे और हम इंसाफ दिलाएंगे जरूर, वो हमारे साथ है। जय हिंद। किस बात को लेकर विवाद हुआ था क्या? आइए हमें कुछ खबर नहीं, जिस बात पे हुआ हमने अब उनसे अर्जी लगाई है, वो मतलब तीन चार गाड़ियां भर के आई थी मानने के लिए, उसके तरीके हमने कमरे की सब पूरे उसकी रिकॉर्डें मांगी है, कैमरे की कमरों की सब रिकॉर्डें मांगी है, उस पर हमारे रिकॉर्ड के लिए इंसान मदद करेंगे, उनके साथ में हम साथ में खड़े रहेंगे। क्या बोला अभी कैमरे साहब ने? उन्होंने क्या है आप जाके वहाँ कैमरे की सुनता करो, हम आके वहाँ कैमरे को चेक करेंगे और तुम्हारी मदद करेंगे, कैमरे के साथ जो आएगा उनका इंसाफ कराने के लिए तैयार है।